दोस्तों आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपके साथ बेस्ट 5 क्रोम एक्सटेंशन शेयर करने वाला हूं दोस्तों, जो कि एसईओ टूल से रिलेटेड है। दोस्तों वर्डप्रेस पे काफी सारे प्लगइन्स आ जाते हैं जिसे आप यूज करके अपने एसईओ पे अच्छे खासे वर्क कर सकते हैं, बट ब्लॉगर में ऐसा कोई प्लगइन नहीं आता और प्लगइन आप इंस्टॉल कर भी नहीं सकते एसईओ में वर्क करने के लिए। आपको एसईओ में हेल्प नहीं मिल सकती है ब्लॉगर में, इसलिए मैं आपके साथ बेस्ट 5 क्रोम एक्सटेंशन शेयर करने वाला हूं दोस्तों। इस एक्सटेंशन को आप यूज करके आप अपने एसईओ पे अच्छे खासे वर्क कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट अपनी ब्लॉग को अच्छे तरह से बूस्ट करवा सकते हैं। तो चलने से पहले दोस्तों बता दूं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एसईओ टूल की बात करें दोस्तों, तो फर्स्ट में है कीवर्ड एवरीवेयर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गूगल पर किसी भी कीवर्ड को सर्च करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च किया सैमसंग, तो सैमसंग से रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स हैं यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसा कि देख सकते हैं स्क्रॉल करके नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पे रिलेटेड कीवर्ड्स जो दिख रहे हैं ये सैमसंग से रिलेटेड कीवर्ड्स दिख रहे हैं आपको। ये ऐसा नहीं कि ये फेक है, अब फेक नहीं हो सकता। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे आप तो देख सकते हैं यहाँ पे जो रिजल्ट दिख रहा है आपको एग्जैक्ट वो यहाँ पे भी दिख रहा है। इट मीन्स क्या है, यहाँ से भी आप कीवर्ड उठा सकते हैं। ये भी कीवर्ड जो है दोस्तों बिना किसी टूल का, ये जो कीवर्ड्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है। अगर आप स्क्रॉल करके नीचे अगर आएंगे तो ये जो कीवर्ड्स दिख रहे हैं ये सारा कीवर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। इस कीवर्ड्स पर अगर आप काम करेंगे तो 110% आपका ब्लॉग या फिर यूट्यूब चैनल जो भी है बहुत जल्द बूस्ट कर जाएगा, ठीक है। देन सेकेंड एसईओ टूल की बात करें दोस्तों, तो वो है एसईओ क्विक। जी हाँ दोस्तों, ये सारा जो डिटेल दिख रहा है अगर आप किसी वेबसाइट को गूगल में सर्च करते हैं तो ये सारा डिटेल यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये एसईओ क्विक की वजह से दिख रहा है, जिसे मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। जैसे सेकंड में देख सकते हैं एसईओ क्विक, तो ये क्या है दोस्तों, आपकी वेबसाइट की जो भी डिटेल है सारा कुछ आपको दिखाता है, जैसे कि आपके कितने पेज व्यू है, कितने रैंकिंग पे चल रहे, गूगल पे कितने रैंकिंग पे है, बिंग पे कितने रैंकिंग पे, सारा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे मिनिमम डिटेल दिखे, अगर आप किसी वेबसाइट पे यहाँ पे चले आते हैं तो ये देख सकते हैं यहाँ पे टॉप में दिख रहे ये सारा डिटेल। यहाँ पे और भी डीपली अगर आपको देखना होगा तो आप इस एक्सटेंशन पे जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही इस वेबसाइट की जो भी डिटेल है आपके सामने ला के रख देगा। आप उसे पेज व्यू, डोमेन, बैकलिंकिंग सारा कुछ देख सकते हैं कि कहाँ से बैकलिंकिंग से मिल रही है, कितनी पेज व्यू है, कितने रैंकिंग पे गूगल पे है, कितने में याहू में है, बिंग में है, एलेक्सा में है, सारा कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देन थर्ड एसईओ एक्सटेंशन के बारे में बात करें दोस्तों, तो थर्ड में है सिमिलर वेब। जी हाँ दोस्तों, इस एक्सटेंशन का भी सेम वर्क है कि आपकी वेबसाइट का जो भी डिटेल है आपके सामने ला के रख देता है। जैसा कि मैं यहाँ पे एक वेबसाइट को ओपन किया हुआ हूँ, जस्ट यहाँ पे एक्सटेंशन पे हम लोग क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही इस वेबसाइट की जो भी डिटेल है यहाँ पे आपको दिखने लगी। ग्लोबल रैंक कितनी है, कंट्री रैंक कितनी है, कैटेगरी रैंक कितनी है, यहाँ पे देखें बाउंस रेट कितना है, पेज व्यू कितना है, देखें एवरेज पे ड्यूरेशन वेट, आपका कौन से कंट्री में कितने विजिट्स हो रहे, कितने परसेंट कहाँ पे विजिट हो रहे, डायरेक्ट हो रहे या सर्च से हो रहे, ईमेल से हो रहे, सोशल से हो रहे, जो भी है सारा कुछ आपके वेबसाइट का डिटेल यहाँ पे आपको वो दिखाने लगा। देन फोर्थ एसईओ एक्सटेंशन के बारे में बात करें दोस्तों, तो फोर्थ में है स्कैन डब्ल्यूपी। इस प्लगइन का यूज है दोस्तों कि आप किसी की भी वेबसाइट के, अगर किसी का ब्लॉग वर्डप्रेस पे है तो उस वेबसाइट के बारे में डिटेल जान सकते हैं कि कौन सा थीम यूज़ कर रहा है, कौन सा प्लगइन यूज़ कर रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ desimeseko.in जो कि खुद का मेरा ब्लॉग है, तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं कौन सा थीम यूज़ करता हूँ, कौन सा प्लगइन यूज़ करता हूँ, तो सिंपल है, इस एक्सटेंशन को आप यूज़ कीजिए, आप आसानी से हर कुछ जान जाएंगे, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने वेबसाइट को ओपन किया हुआ, जस्ट इस एक्सटेंशन पे क्लिक करते हैं हम लोग, एक्सटेंशन पे क्लिक करते ही उस वेबसाइट की सारा डिटेल जो है वो स्कैन करके आपके सामने ला के रख देगा। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, ये जो मैं थीम यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये थीम का नाम आ गया टोटल, यहाँ पे थीम का पिक्चर भी दिखाने लगा आपको। देन यहाँ पे देख सकते हैं आप कौन सा वर्जन का थीम यूज़ कर रहा हूँ मैं। देन यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों आपको प्लगइन दिखाने लगा कौन कौन सा प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ। तो ये एक्चुअली ये इस एक्सटेंशन का काम ये है कि आपको थीम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, आप प्लगइन कौन सा यूज़ कर रहे हैं वर्डप्रेस पे, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे वो दिखा देगा। देन फाइव एक्सटेंशन की बात करें दोस्तों, तो वो ग्रामली। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक अच्छे पोस्ट लिखते हैं तो उस पर आपको मिस्टेक्स देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे स्पेलिंग में, तो उसके लिए आपको ग्रामली बहुत हेल्प करेगा पोस्ट लिखने में। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, यहाँ पे कंपोज मेल पे क्लिक करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम प्लेइंग गेम, ओके। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो दोस्तों, मैंने प्लेइंग यहाँ पे गलत लिखा हुआ, तो यहाँ पे वो डिलीट कर दे, रेड लाइन से मार्क कर दे। इस पर माउस को अगर क्लिक करते हैं हम लोग या फिर माउस को सिर्फ वहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग आपको दिखा देता है कि आपने ये मिस्टेक की हुई है। तो अगर आप इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेंगे, आप पोस्ट लिखेंगे तो 110% आपको मिस्टेक करने का चांस नहीं है, आप अच्छे से पोस्ट को लिख पाएंगे। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे आप लोग, ये आपका जो मिस्टेक यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे भी एक यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है बट ग्रामली मिस्टेक है, फर्स्ट लेटर है वो जो कैपिटल में होना चाहिए। तो जस्ट यहाँ पे माउस को रख के देन आई पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं ये जो मेरा यहाँ पे भी क्लिक करते हैं
द गेम होगा, गेम नहीं होगा, या फिर ए गेम होगा, इन दोनों सेंटेंस में किसी को चूज कर सकते हैं हम द प्लेइंग गेम, इस पर क्लिक करके। ठीक है, तो सिंपल है कि आप ग्रामरली इंस्टॉल कीजिएगा तो आपको जो ग्रामर है या फिर वर्ड है, स्पेलिंग है, ये सब मिस्टेक नहीं होगा, अच्छे से पोस्ट को लिखो। दोस्तों चलिए अब समझ लेते हैं कि इस एक्सटेंशन को आप डाउनलोड कैसे करेंगे। आप क्रोम एक्सटेंशन जस्ट गूगल पे लिखें, देन फर्स्ट लिंक पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। दोस्तों आप सभी एक्सटेंशन को एक एक करके नाम से सर्च करेंगे दोस्तों, तो वो एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको सभी एक्सटेंशन का नाम डिस्प्ले करवा दिया था, बट जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ फर्स्ट वाला एक्सटेंशन कीवर्ड एवरीवेयर को, जस्ट कंट्रोल वी करके एंटर करेंगे तो ये एक्सटेंशन आपके सामने यहाँ पे दिख जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड किया हुआ अपने क्रोम पे। जस्ट यहाँ पे इस तरह का बटन आएगा ऐड टू क्रोम, यहाँ पे ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे या आपका यहाँ पे इस तरह कुछ ऐड हो जाएगा। इसी तरह से वन बाय वन सभी एक्सटेंशन को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कंट्रोल वी करके साथ सर्च करेंगे तो आपको वो एक्सटेंशन मिल जाएगा। अब वीडियो को पॉज करके इस एक्सटेंशन का नाम देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक्सटेंशन का नाम डाल दूंगा, वहाँ से कॉपी करके आप इस तरह एक्सटेंशन को सर्च करके उसे ऐड कर सकते हैं अपने क्रोम ब्राउजर में। तो आपने देखा दोस्तों, मैंने आपके साथ टॉप 5 क्रोम एक्सटेंशन शेयर किए। आई होप कि आपको ये एक्सटेंशन पसंद आई होगी, आप इसे जरूर यूज करेंगे। दोस्तों एक्सटेंशन कौन सी आपको अच्छा लगी, कौन सा आप यूज करेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।